छोड़ो मेरा हाथ, मैं शोर मचाऊंगी, कोई है? अरे कौन है, लड़की को कहाँ लेके जा रहा? तू कौन है, तुझसे मतलब? तू अपना काम कर, ये मेरी कजन है, इसको कोचिंग लेके जा रहा हूँ। नहीं अंकल, ये मुझे किडनैप कर रहा है। लड़की को किडनैप कर रही है तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक, कमीने, रुक जा, काट डालूंगा। भागिया कमीना, बेटी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बेटी तुम मुझे अपना घर बताओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अंकल जी, मेरा घर यहाँ से तो काफी दूर है। अच्छा, थाने तो उसे मैं लेके जा नहीं सकता, कहीं मैं उल्टा ना बच जाऊं, मैं बड़े डरने क्यों लूं? एक मिनट रुको। पापा तुमने मेरे बारे में सोचा क्या है? मुझे नहीं चला रही पुरानी साइकिल, मुझे नहीं KTM ही चाहिए। मुझे साल होगा ट्रैक्टर चलाते हुए, और मेरे सर के बाल तक के उड़ गए, और 2 लाख रुपए जोड़ पाया हूँ, उसका घर बनवाऊँ या तो ये गाड़ी दिलवाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। मजदूरी करो या चोरी करो, मुझे मेरे 2000 KTM ही चाहिए। सूरत को लेके जा, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है अंकल। बेटा चलो। पापा मैंने आपसे बाइक को कहा था, लड़की को नहीं, आप ही किसको ले आए? अबे तू पागल पागल है क्या? बेटी तुम बैठो। पापा मैंने आपसे बाइक को कहा था, इस लड़की को नहीं, आप इसको कहाँ से ले आए, इसको निकालो। अबे तू उसे निकालने की बात कर रहा है? किस्मत हम पे मेहरबान हो रही है। पापा तुम क्या साबित करना चाह रहे हो, इससे हमारी किस्मत का क्या ताल्लुक? बे गौर से सुन, ये लड़की किस्मत से हमारे हाथ आई है, इसे बेचकर तेरी बाइक भी आ जाएगी और बेटे हम घर भी संभलवा लेंगे। पापा मैं तो आपको बड़ा सीधा समझता था, आपका नंबर 1 हरामी निकले, हरामी बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, लेकिन पापा कहीं से बेचकर हम फंस ना जाए। नीरे भाभी पूछते क्या है, तू टेंशन मत ले, तू इसका ख्याल रख, मेरा एक जानने वाला है जो इसके अच्छे पैसे दे देगा, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे पापा, बेटी मैंने तुम्हारा फोटो इसलिए लिया है ताकि तुम्हारी याद मेरे साथ रहे। बेटा इसको कुछ खिला देना, मैं इसका जाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है पापा। बहन तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? हाँ भाई ले आओ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का जुगाड़ करता हूँ। हेलो। हेलो, यहाँ इन्होंने मेरा फोटो खींच लिया है, कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी आ जाओ। कोई बात नहीं, तुम ये बताओ घर में कौन कौन है? यहाँ चाचा का सिर्फ 1 लड़का है, चाचा तो गए, आप जल्दी आ जाओ। तुम गेट खोल के रखो, मैं आता हूँ। हेलो। हाँ जी जानू, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम अल्टर को लेके पहुँचो। ठीक है उस्ताद, आ एक नया काम आया, निपटा के आते हैं। चल। अरे भाई कौन हो तुम? जो भी ये घर में इज्जत से निकाल दे, नहीं तो ये देख रहा घोड़ा, सीधा सर में गोली मारूंगा। ना ना, मेरा गोली मत मारना, जो कुछ घर में है मैं देने के लिए तैयार हूँ। चल फिर जानू, तू मेरे साथ आ, अल्टर तू गेट पर जा। बस यही 2 लाख रुपए हैं। अरे तिजोरी खोल। जानू हाँ, इसे रस्सी से बांध। चल रस्सी लेकर आ, यहाँ खड़ा हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ए, इसे पीछे वाले नाले में फेंक दे। चाचा मेरे अड्डे पे फिर कैसा आना हुआ?
कहीं पैसों वैसों का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेरे लिए काम लेकर आया हूँ, कर पाएगा? क्या कह रहा चाचा, ऐसा कौन सा काम है जो पीटर नहीं कर सकता? ये रही लड़की, क्या तू इसे खरीद पाएगा? खरीद लूंगा। पैसे बोल। मैं तो 10 लाख लूंगा। 10 लाख? अरे तू लड़की तो लेकर, तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा दूंगा। जा पीटर, तू पैसे तैयार रख। यूं गया यूं आया। ट्रैक्टर कहाँ गया यार? अरे तेरे हाथ क्यों बंधे हैं? वो लड़की कहाँ है? अबे बोलता क्यों नहीं है? पापा हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जो भी ये घर में इज्जत से निकाल दे, नहीं तो ये देख रहा घोड़ा सीधा सर में गोली मारूंगा। पापा वो लड़की उन्हीं के साथ मिला हुई थी। ये क्या हुआ? वो सब कुछ ले गए, ये सब तेरी वजह से हुआ कमीने। ना तू बड़े बड़े सपने देखता है, ना मेरे अंदर लालच आता है।